अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन में हमें पी दैट मीन्स प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है कि पी विल बी पी क्या रहेगा। तो अगर हम रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन, तो हमें 2 मोल SbCl5 दिया गया है। तो हमें मालूम है SbCl5 है, तो क्या करना चाहेगा कि ये जो क्लोरीन है उसके पास से इलेक्ट्रॉन लेके वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनने की कोशिश करेगा, तो हमें ऐसे करके मिल जाएगा 2 मोल ऑफ SbCl6 और Cl6 रहेगा तो यहाँ पे माइनस भी रहेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट है पी, हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, या ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, और उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं जो सब कार्बन है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहता है, sp2 रहता है। तो ये कंडीशन किसकी है, तो हमें मालूम है एरोमेटिक कैरेक्टर की एक कंडीशन रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि वो स्टेबल बन पा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए कि जो रिंग है उसमें +2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, तो बी इज़ अवर करेक्ट आंसर।